तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल चूरन पर। मेरा नाम है पम्मी और ये देखो सबसे पहले सुबह व्लॉग कर रहे हैं भाई, बाहर का व्यू देख रहे हो। आदत थी कि मैंने स्विट्जरलैंड का भी एक व्लॉग भी किया हो, तो आज हम व्लॉग करेंगे स्विट्जरलैंड में। भाई ये कितनी खतरनाक बकरी है, पूरी पहाड़ की एच के ऊपर खड़ी हुई है। और अपना बिल्ली वाला हाउस भी एकदम से जबरदस्त लग रहा है गाइस। आपने अभी तक तो ये वाला घर अपनी मेन वाली वीडियो के अंदर देख लिया होगा और अपनी हाउस भी ऊपर जा चुकी है। और दिन की शुरुआत ब्रोस मेरे को कर रही है एक जबरदस्त मीठी दूध वाली चाय के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये धीमी आंच पे बकरी है। और ये लॉग ही क्या कर रहा है, अरे भाई भाई एक्चुअली बस लग रहा है, लेट्स गो। अभी कोई टेंशन नहीं है लॉगी की भाई, अभी ऐसे आगे पीछे जो भी कर रहा है करता रहा भाई। लास्ट टाइम फेस की बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी फेसिबल हो चुका है तो और कूल। और इस बंदे ने भाई ये क्या क्या भाई, कौन कौन सी चीजें पी रहा है जो मेरे को पता नहीं है। तो यार ये वो वाला माल है जो कि एक्चुअली मैं नहीं पीता, और ये हमारी नुबड़े ने लॉक करके रखी हुई है, तो असली माल में इसकी असली खजाने अंदर छुपे होंगे। वैसे अगर मैंने वो हमारी खोल भी ली तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। बट एनीवेज अभी बैठ के हल्की सी चिल मारता है यहाँ पर। और गाइस मैंने कार्टून के अंदर बहुत ज्यादा देखा है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना पहाड़ों में, यहाँ पर इनके पास बहुत बड़े बड़े डॉग होते हैं, बहुत अच्छे। आपने टॉम एंड जेरी में ऑफ कोर्स देखा होगा, और एक्चुअली हैं भाई साहब। इस कुत्ते का साइज देख रहे हो, ये किसी के पीछे पड़ गया ना, गया वो बंदा गया। सारे काम गाइस अपने हो चुके हैं और अभी मेरे को पैकिंग करके यहाँ से निकलना है। तो ये तार भी जाती है अपने बैग के अंदर, पूरा बैग आप बिलीव नहीं करोगे सारा तारों से भरा हुआ है भाई। मेरे पास इतनी तार है ना कि हम उस पहाड़ से यहाँ तक रस्सी लगा सकते हैं। और जाने से पहले मेरे को एक खिड़कियां दरवाजे सारे बंद करने हैं, ये ना हो कि भाई मैं गया हूं और कोई दूसरा बंदा खिड़की से अंदर आ चुका है। तो इसको ये बंद करो एंड इसको भी यहाँ से बंद करो। ये देखो आ गया रोनाल्डो, आई रोनाल्डो, ये देखो रोनाल्डो आई, चला आते ही हेल्प कर यहाँ पर। तो गाइस फेस रिवील के दौरान जब मैं यहाँ पे गन डाल रहा था वो भी मेरे को ठीक करना है भाई, मेरी आदत हो गया जहाँ पर भी जाओ निकलने से पहले सब कुछ क्लीन करके जाना होता है। जैसे मेरे को मिला था वैसे ही मेरे को देना है लोगों को। यार मैं इसको लो करूं, हमने ये पीछे कर दिया। और अभी गाइस जाने से पहले लॉगी का कमरा भी देख लेते हैं। ये देख रहे हो अलमारियां खुली, कंबल बिखरे भाई, जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई बम फूटा हो। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो चुपाती भाई। तेरा था माई बना जाए। इसको यहाँ सिंपल काम था यार। क्या तोड़ दिया भाई आपने, क्या अलमारी है भाई, अलमारी तोड़ दी चपाती भाई ने। भाई हो गया ठीक है, बंद है फट से खुल गई। तो लॉग गया कमरा, आपने देख लिया होगा कितना मैसी था, अपना कमरा देख लो जैसे मेरे को मिला था ना उससे ज्यादा साफ है ये। तो लीजिए गाइस पैकिंग वगैरह अपनी सारी हो चुकी है और अभी चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ। तो सारी लाइट हमने बंद करके रखी हुई है सिवाय इसके, इसका स्विच ही मेरे को नहीं मिल रहा भाई। इसका भाई मैं पूरा मैंने ढूंढ लिया, ये रूटर के पीछे आगे पीछे सारा मैंने ढूंढ लिया, लेकिन इस लाइट का कोई स्विच है ही नहीं। तो एक काम करते हैं देसी जुगाड़, जब लाइट बंद ना हो तो बल्ब निकाल लो और इसको सेफ्टी के साथ रखते हैं इस पिलो के ऊपर। नाइस एकदम डन। और अभी जाने से पहले एक, अरे यार वो कौन सी लाइट है यार, वो तो जल्दी, अच्छा समझ गया, वो सीढ़ियों के नीचे जो लाइट लगी है ना वो एकदम ऑटोमेटिक है, अपने आप बंद हो जाएगी। और जाने से पहले गाइस ये वाला दरवाजा भी बंद कर लेते हैं, इसको यहाँ से लॉक कर दो, इसको भी यहाँ से लॉक कर दो, एंड फाइनली ये भी यहाँ से लॉक कर दो। हेलो बिल्ली कैसी है, तेरा खाना एकदम, मैंने कल रात को मैं सेट करके गया था ना, इधर इधर इधर, हेलो तेरा खाना इधर है, खाना में तेरा पूरा ये पड़ा तो हुआ है, कितना गन डाल के रखा तूने, अबे एक बिल्ली कितना गन डाल सकती है। वैसे गाइस बिल्लिया घर देख रहे हो कितना मस्त है, तो गार्डन हाउस प्लस शेड प्लस बिल्लिया घर, पुराने पुराने टाइप की चीजें पड़ी हुई है। देखो कीमा बनाने की मशीन, वो देखो पुराने जमाने की स्त्री, जबरदस्त है यार ये सारा खाना, देखो सारा एक भी मत छोड़ियो, पूछ ले वहां से मत खा, प्लेट के अंदर से खाते हैं नुबड़ी बिल्ली, चल ओके आराम कर तू भी। ओके अभी गाइस सब कुछ डन और अभी यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से आधे घंटे पर एक बहुत ही लग मस्त जगह, वो जगह देख के भाई मेरे को लगता है कि लिटरली हेवन है वो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के आते हैं आज। और फाइनली जाने से पहले मेरे को ये जो चाबी है घर की मैंने यहाँ से उठाई थी, तो मेरे को यहाँ पर डब्बे के अंदर डालनी पड़ेगी, तो इसको रखते हैं यहाँ पर डब्बे के अंदर और इसको ऐसे कर लो। अबे ये तो चोरी कोई तोड़ सकता है, ये दरवाजा भी यहाँ से बंद, चल रेडी हो जा। यार चपाती में तो बड़ी खतरनाक जगह के ऊपर आ चुके हैं, वो देख रहे हो क्या मोटे मोटे पहाड़ यहाँ पर बने हुए हैं, अभी आगे जाएंगे तो फुल भाई, अभी आगे खतरनाक वाले व्यूज आने वाले हैं, रेडी हो जा
भाई तेरा फेस्टिवल यहाँ पे कर रहा था वो ऊपर पहाड़ के ऊपर। और अभी गाइस हम आ चुके हैं यहाँ के लोकल टाउन। यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर है, यहाँ के माउंटेन्स और यहाँ का वाटरफॉल। पहले हो पीछे हो वाटरफॉल दिखा दे मेरे को। तो पीछे आते अपने क्या कहते हैं उसके माउंटेन्स और ये देखो वाटरफॉल बिल्कुल ऊपर से आ रहा है यहाँ से। अभी यहाँ पर अभी वाटरफॉल के अंदर जाके अपनी कोकी बोतल ठंडी करते हैं। ये देख रहे हो गाइस चपाती भाई को, यहाँ पर भाई नया बिजनेस उन्होंने खोल के रखा है वो भी फोटोग्राफी का। बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो भाई साहब। चपाती भाई तो देख रहे हो गाइस क्या चिलिंग यहाँ पर मार रहे हैं। देख रहे हो गाइस खतरनाक व्यू यहाँ पर है सामने भाई। तेरे को भी मैंने वाटरफॉल दिखा दिया, तेरे को भी पहाड़ दिखा रहा हूँ और आप भी तेरे को लेके चलते मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ कभी मेरी सगा भी कर लिया करो यार। कितना मस्त व्यू है यहाँ पर देख रहे हो, क्या मस्त ओपी व्यू है। अभी गाइस हम आ चुके हैं ग्रिंडलवाल्ड के स्टेशन के ऊपर और यहाँ से ट्रेन चलती है इन्हीं पहाड़ियों के कहीं ऊपर। ट्रेन पता है 2 घंटे देती है ऊपर जाने के लिए, वो इतनी देर में तो लोग खुद पैदल ही पहुंच जाएगा यार। ओके गाइस अभी मैं एक सुवेनियर की शॉप के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर कैंचियां भी तेज होती है देख सकते हो, तो जौन से प्रकार की कैंची छुरियां हैं आप यहाँ पे आके टेस्ट करवा सकते हो भाई साहब। ये एक्चुअली बहुत मस्त चीज है, इसके अंदर ना ये लोग अपनी लोकल डिश पका के खाते हैं। मैंने एक्चुअली ट्राई किया था और बहुत ज्यादा टेस्टी था। लिटरली चीज होता है वो भी मेल्ट किया हुआ और उसके साथ खाते हैं ब्रेड। ओ भाई बहुत टेस्टी होता है। देखो मेरे एनीवेज मेरे को यहाँ से अपने लिए एक सुवेनियर लेना है। आपको तो पता है कि मेरी कलेक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसी क्वेश्चन के अंदर मेरे को कुछ और चीजें भी रखनी है। भाई साहब एक छुरी के अंदर कितने सारे फीचर्स हैं देख रहे हो, लाइक यहाँ वहाँ से सारी निकल रही है, यहाँ पर पड़ी हुई है। भाई तू क्या डीजे बजा रहा है यहाँ पर? एक्चुअली मस्त है यार ये वाला म्यूजिक बज रहा है, ये है ग्रैनी का म्यूजिक। तो ये एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा वे हैंग होना चाहिए, ये भी अपने इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये वाला कप मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद आया, इसके ऊपर झंडा भी लगा हुआ है तो ये अपने शेल्फ के ऊपर बहुत सही लगेगा। तो ये ले लेते हैं भाई दिस। यस ओके थैंक यू। तो ट्रेन वाले सर जी ने बोला कि आप ऊपर जा सकते हो लेकिन आज ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर पूरे क्लाउड आ चुके हैं। तो ये है गाइस दिस इज नॉर्थ फेस, लाइक इसका लाइक आइगर नाम है पहाड़ का और देख रहे हो हमें ऊपर लाइक नहीं इस पर तो नहीं जा सकते पर बेसिकली मैं कोई एग्जांपल के तौर पर ये पीक दिखा रहा हूँ। देख रहे हो पूरी ऊपर से क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, लाइक पहाड़ की जो पीक है वहाँ पर क्लाउड्स हैं। तो इस पहाड़ के ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर चढ़ना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो सिमिलर पीक्स है यहाँ पर भी और उन्होंने बोला कि पूरी पीक्स एकदम क्लाउड से कवर हो चुकी है तो अगर आप ऊपर जाते भी हो तो आपको कख नजर नहीं आने वाला और लोगों को लगता है कि उसके पास एक्सरे विजन है उसको सब कुछ दिख जाएगा बंदा। तो ऊपर जाना फिलहाल कैंसिल। अभी गाइस सुवेनियर लेने के बाद सीधा हम यहाँ से निकलते हैं, छोटा सा टाउन था पूरा हमने चेकआउट करके रखा हुआ है। अज्जू भाई को जानते हैं तो यार अज्जू भाई की पहुंच यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे और डब्बे चलते गाड़ी की तरफ और ये देखो नुबड़ा वहां पर ये यहाँ रास्ता बना हुआ है तभी मैं तेरे साथ कहीं बाहर नहीं जाता। नुबड़े बैन करवाए करेगा मेरे को यहाँ से घोंचू वहां पे फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ के ऊपर चल। ढक्कन बंदा घास के ऊपर चल रहा और देख रहे हो उसको। अबे चंकी पांडे इधर मर ले, कई की बंदे जो है लिटरली घर के अंदर ही ठीक है। ऑब्वियसली गाइस निकलने से पहले मेरे को पैसे भी देने पार्किंग के। तो ये जो ये टिकट यहाँ पर कितने ले रहे हैं मुझसे? 3.5 एक्चुअली चीप है। और ये टिकट जाएगी चाचू के मुंह के अंदर, कुछ ठंड रख हेड नॉट भी इसे फाटक क्यों नहीं खुल रहा है। अच्छा टिकट वापस दे रही मेरे को वापिस, भाई तेरे को लेनी है मेरे को मत दे भाई, टिकट आपने उल्टी डाल दी मामा पहन लेने वापस मेरे को थूक के फेंक रहा यार टिकट। चार बड़ी टिकट घुमाने के बाद एक्चुअली वेरीफाई किया उसने मेरे को, अभी मेरे को इंस्टाग्राम का वेरीफाई टिक भी मिलेगा। लेट्स गो भाई। सारे काम खत्म करने के बाद गाइस अभी हम निकले हैं वापस, मेरे को जाना है वापस इटली। और अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो भाई साहब क्या खतरनाक नुबड़े फोकस कर यहाँ पर देख रहे हो पूरे दूर दूर तक लिटरली ये ही चट्टान जा रही है दूर दूर तक। अगर मैं ऐसे पकड़ू ना ऐसे लाइक ऐसे ये लिटरली किसी का वॉलपेपर हो सकता है किसी स्क्रीन का भाई, एकदम एकदम एपिक जगह यार एकदम। तो हम वहाँ से आए थे बिल्कुल रोड के अंदर से यार क्रॉस कर 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 के ऐसे वहाँ पे गए और अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लॉगी गाड़ी के अंदर सो रहा है, विश्राम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, आई थिंक उसका सर थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है। तो अभी इतनी ट्रैवलिंग मेरे को नहीं करनी, सूटेबल जगह देख के मेरे को वहाँ पर होटल वगैरह बुक करना, यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है तो सूटेबल जगह देख के वहाँ पर मेरे को होटल बुक करना और आराम करते हैं। अरे बाप रे मेरे को लगा था कि पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स लगे हैं लेकिन नहीं ये एक्चुअली छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। तो चलिए गाइस 2 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी फ्लैट नंबर 2 के अंदर। इसका टूर मैं आपको अगले वाले ब्लॉग में करवा दूंगा, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अभी बहुत तैयारी करनी है भाई, नहाना धोना फिर आराम से सोना भी है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ठीक है एवरीवन एंड बाय बाय।